मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के मैच में मुंबई इंडियंस की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 5 विकेटों से हरा दिया है। आप देख रहे हैं एनकेपी स्पोर्ट्स चैनल। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी दबा दीजिए। इस मैच में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। आरसीबी की ओर से कप्तान कोहली आज सिर्फ 8 रन बनाकर बैरनडॉफ की गेंद पर कैच थमा बैठे। इसके बाद पार्थिव पटेल भी 28 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन दोनों के आउट होने के बाद मोइन अली और एबीडियर्स ने शानदार प्रदर्शन किया और दोनों ने 95 रनों की साझेदारी की। लेकिन लसित मलिंगा ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर मुंबई की मैच में वापसी करा दी। मोइन अली 50 रन बनाकर आउट हुए, वहीं एबी डिविलियर्स 75 रन बनाकर रन आउट हो गए। मलिंगा ने शानदार गेंदबाजी की और 4 विकेट लेते हुए आरसीबी को 20 ओवरों में 171 रनों पर रोकने में सफल रहे। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस ने पहले 6 ओवरों में बिना कोई विकेट खोए 65 रन बनाकर शानदार शुरुआत की। हालांकि 70 और 71 के स्कोर पर दोनों बल्लेबाज लगातार अंतराल पर आउट होकर पवेलियन चले गए। अंत में मुंबई की टीम थोड़ी कमजोर पड़ने लगी। अंतिम 2 ओवर में मुंबई इंडियंस को 22 रन बनाने थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी की। 19वें ओवर में ही पवन नेगी के 1 ओवर में 2 छक्के और 2 चौके, 1 वाइड और 1 सिंगल लेते हुए 22 रन बनाकर 1 ओवर शेष रहते ही मुंबई इंडियंस को मैच जिता दिया। पांड्या ने आज 16 गेंदों में 37 रनों की विस्फोटक पारी खेली। 4 विकेट लेने वाले लसित मलिंगा को आज मैन ऑफ द मैच चुना गया है। आज के मैच में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन आपको सबसे अच्छा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।